पकौड़े को दोनों ओर से सेक लिए हैं लेफ्ट साइड का। हेलो फ्रेंड्स, आज का रेसिपी है प्याज का पकौड़े, जो खाने में टेस्टी है, डिलीशियस है, क्रिस्पी है, स्पाइसी है। एक बार ट्राई करके देखें बनाकर। चैनल को लाइक करें, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें। एक कटोरी प्याज, प्याज को हमने लंबे आकार में कट किया है। एक कटोरी बेसन, आधा चम्मच नमक, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच हरी मिर्च, दो चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, दो पिंच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिक्स करेंगे। दो चम्मच पानी डालेंगे, इन सामग्री को भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भून लिए हैं। पकौड़े का मिक्सचर रेडी है। तेल गर्म हो गया है। पकौड़े को तेल में डीप फ्राई करेंगे। पकौड़े को उलट पलट कर दोनों ओर से सेकेंगे। और बीच बीच में चला देंगे। पकौड़े को दोनों ओर से उलट पलट कर सेक लिए हैं। इसे प्लेट में रखेंगे। पकौड़े को दोनों ओर से उलट पलट कर सेक लिए हैं। इसी तरह सारे पकौड़े को डीप फ्राई करेंगे। पकौड़े को उलट पलट कर दोनों को सेक लेंगे। पकौड़े को मीडियम आंच में सेकेंगे। पकौड़े को दोनों ओर से उलट पलट कर डीप फ्राई कर लिए हैं। अब इसे एक प्लेट में रखेंगे।